अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले देवभूमि उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर का ताला कब खुला और मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बना है, तो बीजेपी उसका श्रेय क्यों ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जब राम मंदिर बनने से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। अपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरा, कोर्ट के निर्देशों पर आज वहां मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा, उसका श्वेत पत्र तो जारी करें, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है, तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है। पहले रामशिला में भी ये लोग पैसे ले गए और फिर उसके बाद राम मंदिर के नाम से भी इन्होंने चंदा किया है, आखिर वो चंदा कौन खा रहा है। देखिए, ऐसा है, जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भी वहां पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। आज इनको रोना आ रहा है कि इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वो जारी करना चाहिए, ये जारी करना चाहिए, तो पहले अपने घर में देखिए कि कितने ज्यादा पैसे जमा है, उसके श्वेत पत्र जमा करें और उसके बाद बात करें तो ठीक।